हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा वीडियो लेक्चर जो है सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड होने वाला है, बिकॉज आज 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेम रिएक्शंस है, उन सभी नेम रिएक्शंस को हम एक ही शॉट में, एक ही वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं, बिकॉज बोर्ड के लिए बहुत ही ये सभी इक्वेशन जो है, रिएक्शन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। हम यहाँ पे जैसे चैप्टर है, चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट हमारी जो है एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड्स, उनमें नेम रिएक्शंस कौन कौन सी है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद में जैसे जो भी चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हमारी जो फर्स्ट नेम रिएक्शन रहेगी, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रहेगी? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। मैं खाली रिएक्शन नहीं लिखूंगा, इसकी केमिकल इक्वेशन नहीं लिखूंगा, लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारी केमिकल इक्वेशंस है, नेम रिएक्शंस है, तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। लैंग्वेज को आपको कवर अप करना है, समझना है आप लोगों को। तो फर्स्ट हमारी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? एल्किल हैलाइड्स, सोडियम मेटल और ड्राई इथर की हम बात करेंगे। रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड्स होगा, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके एल्केन बनाता है, इसको हम वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या लेंगे हम? 2 mol एल्किल हैलाइड्स के लेंगे। आर एक्स का मीनिंग एल्किल हैलाइड्स प्लस एन ए 2 mol ऑफ सोडियम, एक्स आर दैट मीन्स वही एल्किल हैलाइड्स, ड्राई इथर क्या बनेगा? आर आर प्लस 2 Na x। एक्स यहाँ पे क्या है? हैलोजन है, हैलाइड्स है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को कंसिडर किया जाता है। दिस इज एल्किन हैलाइड और ये कौन है? एल्केन है। तो वो रिएक्शन के थ्रू हम क्या बनाते हैं? हायर मॉलिकुलर मासेस कंटेनिंग या हायर कार्बन कंटेनिंग एल्केन है, उसको हम बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज एल्केन। और एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, जो भी आप रिएक्टेंट ले रहे हो उसका नाम लिखना जरूरी है, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, उन सभी का। दी फर्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। सेकंड हम रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं फिटिक रिएक्शन। क्या लेंगे? फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हमने रिएक्टेंट एल्किल हैलाइड लिया था, फिटिक रिएक्शन में क्या लेंगे? एरिल हैलाइड्स लेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स लेंगे। तो सेम का सेम हम कंसीडर करेंगे, 2 mol ऑफ एरिल हैलाइड्स, सोडियम मेटल, ड्राई इथर कॉमन रहेगा, दिस इज अ एरिल हैलाइड्स, ये एरिल हैलाइड है, सोडियम मेटल यहां पे भी 2 mol ही लेंगे अपन एरिल हैलाइड्स के, ड्राई इथर क्या बनेगा? बाइफिनाइल। क्या बनेगा? बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कह सकते हो। प्लस 2 Na x। थर्ड हम कंसीडर करेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन, दैट मीन्स वुड्स फिटिक रिएक्शन वुड्स एंड फिटिक रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। हम यहाँ पे 1 mol जो है एल्किल हैलाइड लेंगे और 1 mol क्या लेंगे? एरिल हैलाइड लेंगे, 1 mol वुड्स का रिएक्टेंट लेंगे और 1 mol जो है फिटिक का रिएक्टेंट कंसीडर करेंगे। ये हमने लिया है वुड्स रिएक्शन से, एल्किल हैलाइड्स प्लस 2 mol सोडियम और फिटिक से क्या लेंगे? एरिल हैलाइड्स। ये एल्किल हैलाइड है, और ये एरिल हैलाइड, सेम की सेम कंडीशन, सोडियम मेटल
ड्राई ईथर क्या बनेगा? एरिल एल्किल बनेगा, एरिल एल्किल। प्लस टू एन एक्स। वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट अपन रिएक्शन की बात करेंगे, सैंडमैन रिएक्शन। हिंदी में इसको सैंडमायर रिएक्शन कह सकते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, रिएक्शन है। सैंडमायर रिएक्शन हम क्या लेंगे? बेंजीन डाइऑक्सीनियम हैलाइड्स फ्रेशली फॉर्म जो है, बेंजीन डाइऑक्सीनियम हैलाइड्स उसको हम लेंगे। बेंजीन डाइऑक्सीनियम हैलाइड कैसे बनाता है? एनिलीन से बनता है। एनिलीन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड NaNO2 या फिर HCl प्लस NO2 के साथ में रिएक्शन इसकी कराई तो क्या मिलेगा? डाइऑक्सीनियम सॉल्ट मिलेगा। तो ये हम क्या लेंगे इसमें सैंडमायर रिएक्शन में? मैंने यहाँ पे लिया है बेंजीन डाइऑक्सीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइऑक्सीनियम क्लोराइड, ये सॉल्ट है। टू कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूं सैंडमायर में, CU2 Br2 HBr या फिर क्या लेंगे CU2 Cl2 HCl। HBr और Br2 लिया है तो क्या बनेगा? कॉपर ब्रोमाइड ले रहे हैं तो ब्रोमो एल्केन बनेगा, ब्रोमो बेंजीन बनेगा। और HCl और कॉपर क्लोराइड लिया तो क्या बनेगा? क्लोरो बेंजीन बनेगा। दोनों ही सैंडमायर रिएक्शन है, जब भी एग्जाम में पूछे तो कोई भी एक बना देना। ये ब्रोमो बेंजीन है, ये कौन है? क्लोरो बेंजीन है। और इसके साथ साथ क्या रहेगी? नाइट्रोजन गैस इनोल। ब्रोमो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। सैंडमायर रिएक्शन के साथ साथ सैंडमायर रिएक्शन जैसे ही है कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में क्या है? बेंजीन डाइऑक्सीनियम हैलाइड लेंगे, दैट मीन्स बेंजीन डाइऑक्सीनियम क्लोराइड की हम बात करेंगे। बस डिफरेंस क्या रहेगा? वहां पे अपने कॉपर क्लोराइड या ब्रोमाइड लिया था, यहां पे ओनली कॉपर मेटल लेंगे। ये मैंने लिया HCl, ओनली कॉपर HBr। कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन करेंगे डाइऑक्सीनियम क्लोराइड के, क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। प्रोडक्ट दोनों में सेम फॉर्म होगा और यहां से क्या मिलेगा? ब्रोमो बेंजीन मिलेगा। प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? दिस इज अ गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हम कंसीडर करेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन। क्या ले रहे हैं? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ये ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड बना रहे हैं। इसको अपन हैलोजन एक्शन मेथड भी कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड से क्या बना रहे हैं? हम एल्किल हैलाइड बना रहे हैं हैलोजन एक्शन मेथड के थ्रू। फिंकलस्टाइन में क्या कंसीडर करेंगे? RX प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड। एल्किल हैलाइड है, सोडियम आयोडाइड, इसको हम क्या करेंगे? एसीटोन वगैरह ले सकते हैं। इसकी प्रेजेंस थोड़ा सा हीट करेंगे, क्या मिलेगा? आर
आई प्लस एन ए एक्स मिलेगा. दिस इज एल्किल आयोडाइड. ये क्या है? ये है एल्किल आयोडाइड. एल्किल आयोडाइड, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल आयोडाइड. इसको हम क्या बोलेंगे? फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलेंगे. और स्पेशली क्या ध्यान रखोगे, एक्स हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, या तो सी एल होगा या फिर क्या होगा, बी आर होगा, क्लोरो एल्केन होगा या फिर क्या होगा, ब्रोमो एल्केन. नेक्स्ट रिएक्शन हम कंसिडर करें इसी यूनिट की, स्वार्ट रिएक्शन. स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया. स्वार्ट रिएक्शन में क्या रहेगा? एल्किल हैलाइड, Hg2F2, या फिर क्या लेंगे, CoF2 या फिर MO2F2. हीट करेंगे इसको, क्या बनेगा? फ्लोरो एल्केन बनेगा. क्या बनेगा? फ्लोरो एल्केन प्लस Na, जो भी यहाँ पे अपन मेटल ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका कंपाउंड बनेगा. यहाँ पे एल्किल फ्लोराइड बनाने का मेथड है और एल्किल आयोडाइड बनाने का मेथड है. इसको हम फिंकलस्टाइन कहेंगे. ये कौन सी है? स्वार्ट रिएक्शन है. तो यूनिट फर्स्ट में जो है हमारे पास मोस्टली जो है इन्हीं इक्वेशन को, रिएक्शन को कंसिडर करेंगे. हाँ, एक और अपन ले लेते हैं इसमें ही. कौन सी रिएक्शन कंसिडर करेंगे? फिरेलक्राफ्ट रिएक्शन कंसिडर कर सकते हैं. हालांकि फिरेलक्राफ्ट ऐसी रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड में भी काम आती है, एल्कोहल फिनोल ईथर में भी काम आती है, और एनिलीन में इसको कंसिडर नहीं करते हैं. रीजन उसका आगे हम डिस्कस करेंगे. फिरेलक्राफ्ट रिएक्शन, फिरेलक्राफ्ट रिएक्शन जो है इसमें रिएक्टेंट के फॉर्म हम यहाँ पे मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ, एक कॉमन, देखिए मैंने कहा कि ये रिएक्शन कॉमन होती है, इसको मैं जेड ले रहा हूँ. ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे क्या अटैच है? जेड है. और जेड हमारे पास क्या हो सकता है? जेड इज इक्वल टू एच हो सकता है, दैट इज ओनली बेंजीन, वो भी फिरेलक्राफ्ट रिएक्शन शो कर सकता है. जेड इज इक्वल टू OH हो सकता है, दैट मीन्स फिनोल हो सकता है. जेड इज इक्वल टू ओ आर हो सकता है, दैट मीन्स ईथर जो है, मिक्सड ईथर जिसको कंसिडर करेंगे ये हो सकता है, या फिर जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स हो सकता है. एक्स का मीनिंग हमें पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर क्या रहेगा, आयोडीन रहेगा. जेड कुछ भी यहाँ पर हो सकता है. तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड एरिल हैलाइड पढ़ रहे हैं, तो उस केस में हम जेड कंसिडर करेंगे, फ्लोरीन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन. हालांकि यूजली फ्लोरीन को कंसिडर नहीं करते हैं, मोर रिएक्टिव होता है, उसकी हम बात करें नहीं करेंगे. क्लोरोबेंजीन हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, और आयोडोबेंजीन हो सकता है. तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में मैंने लिया है क्लोरो, मिथेन एनहाइड्रस AlCl3, क्या बनेगा? देखिए मैं यहाँ पे जेड हैलोजन ले रहा हूँ. ये जो जेड है, जेड को मैंने रिप्लेस कर दिया है हैलोजन में, बिकॉज मैं एल्किल हैलाइड से सॉल्व करा रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, और दूसरा क्या मिलेगा, पैरा. मेजर कौन होगा? पैरा वाला मेजर होगा. ऑर्थो क्या होगा? माइनर होगा. यहां पे अपने एल्किल हैलाइड लिया है, क्या कंसिडर किया है, एल्किल हैलाइड. इस वजह से इसको अपन क्या कहेंगे, फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन किया कहेंगे. अगर मैं यहां पे एसाइल या एसिटाइल क्लोराइड लेता तब उसको अपन कहेंगे फिरेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, फिरेलक्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन.
तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। यस, चलो आगे और बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद में हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहां पे हम क्या करते हैं, प्राइमरी एल्कोहल एल्केन के थ्रू प्राइमरी एल्कोहल बनाने का मेथड है। इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्या लेंगे हम? 3 मोल लेंगे एल्कीन के। किसके लेंगे? एल्कीन के। एल्कीन को हम क्या करेंगे, डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कराएंगे। BH3 होल थ्राइस, क्या बोलेंगे इसको, डाई बोरॉन, बोरॉन या बोरेन। कैटलिस्ट के फॉर्म कंसीडर करें तो हम कर सकते हैं इसको परोक्साइड, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा यहां पर, इंटरमीडिएट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो, क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिला है? प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या लिया हमने, एल्किन लिया है, एल्किन को डाइबोरॉन के साथ परोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराए, हीट कराए, तो क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल मिला। इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम रिएक्शन की बात करें, एसिटाइलेशन रिएक्शन की हम बात करेंगे। एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन में क्या है, फिनोल या सैलिसिलिक एसिड हम कंसिडर करेंगे। सैलिसिलिक एसिड ले सकते हो, सैलिसिलेट ले सकते हो, यूजली अपन सैलिसिलिक एसिड की बात करेंगे। किसको लेंगे, सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है, रिएक्शन जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्टली सीधे रिएक्शन के फॉर्म में पूछे, कभी एक बार आपको पूछ सकते हैं राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड, या फिर सैलिसिलिक एसिड दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखी, इसका IPC नाम पूछ सकते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे, सैलिसिलिक एसिड कहेंगे। सैलिसिलिक एसिड को हम क्या करेंगे, एनहाइड्राइड्स के साथ में रिएक्शन कराएंगे। किसके साथ में, एनहाइड्राइड के साथ में। सैलिसिलिक एसिड एनहाइड्राइड एसिडिक मीडियम में क्या मिलेगा हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, उसको हम कहेंगे एस्प्रिन मिलता है। क्या मिलेगा, क्या कहेंगे इसको, ये एस्प्रिन है। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है एस्प्रिन, पेन किलर के फॉर्म है, ये सरदर्द की सबसे बड़ी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछ सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है एस्प्रिन की, एस्प्रिन की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। एस्प्रिन के साथ में बाई प्रोडक्ट बनाओ तो ठीक है, अच्छी बात है। एसिडिक एसिड क्या कहेंगे इसको, एसिटाइलेशन रिएक्शन। एक बार वापस देख लो, सैलिसिलिक एसिड एनहाइड्राइड, ये कौन है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, एस्प्रिन मिलेगा। एस्प्रिन एक पावरफुल पेन किलर है, दर्द निवारक के फॉर्म में इसको यूज लेते हैं, सरदर्द की सबसे अच्छी गोली होती है। आपने नाम सुना होगा एस्प्रिन, डिस्प्रिन, उसी कैटेगरी उसी वेराइटीज में इसको अपन कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे रिएक्शन ले रहा हूँ कॉल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन जैसी दो रिएक्शन है, ध्यान रखना है, एक गाटरमोंद रिएक्शन के फॉर्म है। कॉल्बे रिएक्शन भी 2 टाइप की होती है, एक ओनली कॉल्बे रिएक्शन और एक होती है कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसकी, कॉल्बे रिएक्शन की बात करें। कौन सी रिएक्शन है, कॉल्बे रिएक्शन।
मैं यहाँ पर फिनॉल वाले टॉपिक से कंसिडर कर रहा हूँ, एल्कोहल वाले टॉपिक से कंसिडर कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, फिनॉल ही लेंगे। क्या लेंगे रिएक्टेंट में, फिनॉल लेंगे। दिस इज अ फिनॉल। फिनॉल को हम पहले क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करेंगे, हीट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा। क्या मिला है, सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम फिनोक्साइड है, सोडियम फिनोक्साइड को हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कार्बन डाइऑक्साइड और मीडियम क्या लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे, या हाइड्रोलाइसिस कह सकते हैं। याद कैसे रखोगे, कॉल्वे में हालांकि सी तो नहीं है लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका कॉल्वे कार्बन डाइऑक्साइड, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन है, कॉल्वे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉल्वे रिएक्शन में क्या यूज आता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज आती है। एक कोच रिएक्शन अलग होती है, कोच में कार्बन मोनोऑक्साइड काम आता है, कॉल्वे में कार्बन डाइऑक्साइड काम आएगा और बनेगा क्या, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। यहां पे जो बने लिया था वही सेम का सेम बन रहा है प्रोडक्ट, सैलिसिलिक एसिड। यस, ये हमारी कॉल्वे रिएक्शन थी। आगे हम और बढ़ते हैं, कॉल्वे रिएक्शन के बाद में नेक्स्ट रिएक्शन हम ले रहे हैं राइमर टिमान रिएक्शन, रिमर टिमान या राइमर टिमान रिएक्शन। रिमर टिमान या राइमर टिमान रिएक्शन हालांकि सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को पढ़ना है, किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन तो इनके 4-5 क्वेश्चन जितने भी नेम रिएक्शन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो आपको पूछे जाएंगे ही। तो क्या करेंगे हम राइमर टिमान रिएक्शन में, फिनॉल लेंगे। क्या लेंगे, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। फिनॉल को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इंटरमीडिएट में क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे सोडियम लेता तो सोडियम मिलेगा, पोटेशियम लिया तो मैंने क्या लिया, पोटेशियम का। ये हमें क्या मिला है, इंटरमीडिएट मिला। और इस इंटरमीडिएट का क्या करेंगे, एनुएट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। देखिए यहां पर KOH लिया तो वापस आप वही ले सकते हो एनुएच के फॉर्म में ही। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, फिर इसका हम क्या करेंगे, एसिड के साथ इस सॉल्यूशन को पास करेंगे या इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, क्या मिलेगा, OH सैलिसिलिहाइड। क्या मिला है, सैलिसिलिहाइड, सैलिसिलिक एसिड। अगर हम यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड मिलता है। क्लोरोफॉर्म लिया है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सैलिसिलिहाइड मिलेगा। सैलिसिलिहाइड कौन सी रिएक्शन है, राइमर टिमान रिएक्शन। राइमर टिमान रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी कह सकते हैं। विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस नाम से पता चल रहा है कि यहां पे ईथर को सिंथेसाइज करते हैं इस रिएक्शन के थ्रू। क्या लेंगे हम,
एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे, एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में, किसके साथ में, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में। मैं यहाँ पे आर डैश ले रहा हूँ और एन ए, दिस इज एल्किल हैलाइड और ये कौन है, सोडियम एल्कोक्साइड। एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड से ट्रीटेड करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलता है ईथर मिलेगा, क्या मिलेगा, ईथर। ईथर हमारे पास यहां पर सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ईथर बनाने की सबसे बेस्ट मेथड हम कंसीडर कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस या विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन को। नेक्स्ट मैं रिएक्शन लेता हूं रोजेनमोंड रिडक्शन, या रोजेनमोंड रिएक्शन कह सकते हैं या रोजेनमोंड रिडक्शन। रिडक्शन कह सकते हैं या रिएक्शन कह सकते हैं। यहां पर रिएक्टेंट जो अपन कंसीडर करते हैं रोजेनमोंड में, हमारे पास ए आर सी ओ सी एल हो सकता है, एसाइल एरिल के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं या फिर आर सी ओ सी एल हो सकता है, एसाइल क्लोराइड हो सकता है, मतलब इसको यूज लेंगे वो एसिटाइल क्लोराइड के फॉर्म में लेंगे। ये बेंजीन है तो बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड और एल्कीन है तो क्या लेंगे, एल्किल एसिटाइल क्लोराइड। पी डी बी एस ओ फोर, इसको रोजेनमोंड रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, सवाल पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में, पूछा जा सकता है कि फॉर्मूला ऑफ रोजेनमोंड रिड्यूसिंग एजेंट, हम यहाँ पे रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर एसाइल यानी एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड मिलेगा, वो एलिफैटिक भी हो सकता है और वो एरोमेटिक भी हो सकता है, वो एलिफैटिक भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है। रोजेनमोंड रिडक्शन के बाद में हम बात कर रहे हैं स्टीफन रिएक्शन की या रिडक्शन की। स्टीफन रिडक्शन या रिएक्शन, स्टीफन में क्या कंसीडर करेंगे, एल्किल साइनाइड या एरिल साइनाइड, ये कौन है, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड को हम क्या करेंगे, SnCl2 plus HCl, इसको स्टीफन रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, SnCl2 plus HCl कौन है, ये स्टीफन रिड्यूसिंग एजेंट है। इंटरमीडिएट बनाओ तो बना सकते हो आप, अदरवाइज डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, R CH रीअरेंज होके क्या बनाएगा, वापस इसका हाइड्रोलाइसिस करे या रीअरेंजमेंट करे तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। तो रोजेनमोंड रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन दोनों के थ्रू हम क्या बनाते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हमें एल्डिहाइड मिलेगा। यस, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन रिएक्शन की बात करेंगे, एटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन में हम क्या लेंगे, टॉलविन की बात करेंगे, हम क्या ले रहे हैं, टॉलविन मिथाइल बेंजीन, टॉलविन के हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ में, क्रोमिल क्लोराइड के साथ में, किसके साथ में, क्रोमिल क्लोराइड के साथ में, सी आर ओ टू सी एल टू, इसको कहेंगे हम क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड के थ्रू हमें क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा क्रोमाइड सॉल्ट मिलेगा,
क्या मिला ये इंटरमीडिएट एक सॉल्ट मिला है और इस इंटरमीडिएट सॉल्ट का हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा एल्डिहाइड मिलेगा क्या मिलेगा एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में क्या मिलेगा बेंजाल्डिहाइड मिलेगा क्या मिला है बेंजाल्डिहाइड टॉलविन टॉलविन का क्या क्या है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराइए यहाँ पर क्रोमाइल इंटरमीडिएट मिलेगा कॉम्प्लेक्स मिलेगा इसका हाइड्रोलाइसिस किया क्या मिला बेंजाल्डिहाइड मिला इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे एटार्ड रिएक्शन कहेंगे क्या कहेंगे एटार्ड रिएक्शन नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ गाटरमान गाटरमान कोच रिएक्शन कौन सी ले रहे हैं गाटरमान कोच रिएक्शन पहले हमने ली थी ओनली गाटरमान रिएक्शन और ये हमारे पास कौन सी है गाटरमान कोच रिएक्शन है गाटरमान कोच रिएक्शन में देखिए क्या है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें ये मैक्सिमम रिएक्शन जितने भी है एरोमेटिक ही है किसके साथ रिएक्शन कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से कोच है तो कार्बन मोनोऑक्साइड कॉलवे में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कोच में क्या लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे और क्या लेंगे कॉपर क्लोराइड बनेगा क्या वही बनेगा बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा बेंजाल्डिहाइड प्रोडक्ट फॉर्म होगा दिस इज अ बेंजीन और ये बेंजाल्डिहाइड यस गाटरमान के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी क्लेमेंसन रिडक्शन किसको लेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए हम कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट विद एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे क्या लेंगे अपन एल्डिहाइड या कीटोन हमारे पास रिएक्टेंट जो रहेगा क्या रहेगा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा दैट मींस क्लेमेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का होता है तो मैं एक कॉमन जनरल लेता हूं इस फॉर्म में ये मेरे पास एल्डिहाइड भी हो सकता है मैं कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहा हूं ये एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है कीटोन भी हो सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है जिसको अपन क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं ZnHCl जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक अमलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिडक्शन ले रहे तो H2 तो होगा ही और ये क्या बनेगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट मींस एल्केन मिलेगा क्या मिलेगा एल्केन मिलेगा पूछ सकते हैं क्या कि क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट का फॉर्मूला क्या है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट या क्लेमेंसन रिडक्शन क्लेमेंसन के बाद में सेकंड में ले रहा हूं वोल्केंस्टीन रिडक्शन अगला जो है वोल्केंस्टीन रिडक्शन ये भी कार्बोनिल कंपाउंड की ही बात करेंगे इसका ही रिडक्शन होता है सेम का सेम रहेगा बट रिड्यूसिंग एजेंट जो हो चेंज हो जाएगा या तो एल्डिहाइड होगा या फिर क्या होगा कीटोन होगा यहां पे कार्बोनिल कंपाउंड में बट रिड्यूसिंग एजेंट में क्या लेंगे हाइड्रोजन लेंगे NH2 इसको हम वोल्केंस्टीन रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं क्या बनेगा एल्केन ही बनेगा ये क्लेमेंसन रिड्यूसिंग एजेंट एंड वोल्केंस्टीन रिड्यूसिंग एजेंट दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये कोई भी एसिड्स हो कार्बोनिल कंपाउंड्स हो एनहाइड्राइड्स हो उनका एल्केन में रिडक्शन करता है किसमें करेगा एल्केन में यस क्लेमेंसन के बाद में हम बात करेंगे हाफ वन ब्रोमाइड रिएक्शन कह सकते हैं हाफ वन रिएक्शन हाफ वन से पहले अपन हैलोफॉर्म रिएक्शन करते हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है हैलोफॉर्म रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हैं या हैलोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं हैलोफॉर्म परीक्षण कह सकते हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, किसी न किसी फॉर्म में पूछी जाएगी, कन्फर्म है। अल्कोहल के डिस्टिंग्विशन के लिए एल्डिहाइड या कीटोन दे रखे, उसमें डिस्टिंग्विशन के लिए अलग अलग कंपाउंड दे रखे, उसमें विभेदीकरण के लिए इसको यूज ले सकते हैं। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है या फिर कौन हो, एल्कोहल हो सकता है जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप ये मिले। अगर यहाँ पे मैं एच लगाता हूँ एल्डिहाइड होगा, अगर मैं आर लगाता हूँ तो कीटोन हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है या फिर एल्कोहल भी हो सकता है, कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एल्डिहाइड लेके कर रहा हूँ, हेलोफॉर्म में एल्डिहाइड लिया है NaOH या फिर आपको इस फॉर्म में दिया हो सकता है NaOH प्लस X2 में यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म, आयोडीन है तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म बनेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, CHX3, ये हेलोफॉर्म है। जैसे Cl आ गया तो क्लोरोफॉर्म हो गया, Br है तो ब्रोमोफॉर्म हो गया, इसको अपन हेलोफॉर्म कहेंगे। कौन है ये, हेलोफॉर्म, और क्या बनेगा, CO, S, सोडियम बनेगा या जो भी सॉल्ट अपन लिया है उसको अकॉर्डिंग बनेगा। मेजर मेन हमारा एम क्या है, हेलोफॉर्म देना। तो हेलोफॉर्म टेस्ट कह सकते हैं, अल्कोहल में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा। एल्डिहाइड में सभी एल्डिहाइड नहीं देंगे, ओनली ओनली एसिड एल्डिहाइड देंगे। आपको कहा कि फॉर्मल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड में डिस्टिंग्विशन करना है, तो क्या लोगे आप, हेलोफॉर्म टेस्ट लोगे। ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है। हेलोफॉर्म रिएक्शन के बाद हम बात करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग कन्फर्म है कि पूछा जाएगा। कौन शो करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड विच कंटेन एटलीस्ट वन अल्फा एच, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन हो सकते हैं, जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन मिलता हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एसिड एल्डिहाइड, इसमें ये अल्फा एच है और इसके टू मोल लेंगे, क्या लेंगे, टू मोल यूज लेंगे। एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें क्या हो, कम से कम एक अल्फा एच हो डाइल्यूट NaOH के साथ, रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्कोहल बनता है और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या होगा, H2- हो जाएगा। बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या फिर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ध्यान रखना है यहाँ पर एल्डिहाइड ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टू सेम मोल लेना है तब तो सिंपल कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। और दूसरा होता है क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल आपको पढ़ना है, मैंने कहा था इसमें चार प्रोडक्ट बनते हैं, फोर प्रोडक्ट बनते हैं, बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एल्डोल के बाद में हम बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन, कौन सी करेंगे, कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन की अपोजिट होती है, जस्ट अपोजिट होती है कैनिजारो रिएक्शन। एल्डोल में हमने क्या पढ़ा, विथ अल्फा एच कंटेनिंग कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा एच हो, और कैनिजारो में हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा एच नहीं हो। तो एल्डिहाइड में सिर्फ बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, कौन होते हैं, ओनली एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं किसका, फॉर्मल्डिहाइड का ले रहे हैं, SCHO, टू मोल यूज लेंगे। एल्डोल में हमने लिया था डाइल्यूट NaOH, यहाँ पे हम क्या लेंगे, कंसंट्रेट NaOH लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है किसमें, कैनिजारो में।
सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनेगा और रिडक्शन से क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा सोडियम फॉर्मेट और ये कौन है मिथेनॉल सोडियम फॉर्मेट और ये कौन है फॉर्मल्डिहाइड क्या बोलेंगे इसको कैनिजारो रिएक्शन कहेंगे कौन सी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन है हेल वॉलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन कौन शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड शो करते हैं कौन शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या हो अल्फा एच हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है अल्फा एच है क्या करेंगे रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कराएंगे क्या करेंगे इसका हैलोजनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस एसिडिक मीडियम ऑफ हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या मिलेगा अल्फा हेलो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड अल्फा सब्स्टिट्यूट मिलेगा ये अल्फा कार्बन है तो क्या मिलेगा अल्फा हेलो सब्स्टिट्यूट मिलेगा अल्फा हेलो एसिड मिलेगा इसको क्या कहेंगे हम हेलवॉलॉर्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहेंगे नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है इंपॉर्टेंट थैलेमाइड रिएक्शन या गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो है ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन्स बनाने के काम आती है इसके थ्रू हम क्या करते हैं प्राइमरी अमीन्स को सिंथेसाइज करते हैं थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है क्या यूज लेते हैं थैलेमाइड लेते हैं क्या लेंगे थैलेमाइड इसको हम कहेंगे थैलेमाइड थैलेमाइड को क्या करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं क्या बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड क्या बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड पोटेशियम थैलेमाइड को क्या करेंगे एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे किसके साथ एल्किल हैलाइड के साथ क्या बनेगा एल्किल थैलेमाइड ये पोटेशियम थैलेमाइड अब क्या बनेगा एल्किल थैलेमाइड और एल्किल थैलेमाइड का हम क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे एल्किल थैलेमाइड का क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हाइड्रोलाइसिस कह सकते हो एक्वस एनोएच के साथ रिएक्शन कर सकते हो क्या मिलेगा एक्वस मीडियम लेंगे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आर एन एच टू प्राइमरी अमीन मिलेगा वन डिग्री अमीन और प्लस क्या मिलेगा जो स्टार्ट में हमने रिएक्शन लिया था थैलिक एसिड का सॉल्ट बिकॉज ये थैलेमाइड जो बना है थैलेमाइड कैसे बना है थैलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई तब मिला है थैलेमाइड मिला इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन कहेंगे नेक्स्ट हम रिएक्शन ले रहे हैं हाफमॉन ब्रोमाइड रिएक्शन या हाफमॉन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये हाफमॉन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन या खाली हाफमॉन ब्रोमाइड रिएक्शन भी कह सकते हैं हाफमॉन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कौन देता है कार्बामाइड और इसके थ्रू भी हम क्या करते हैं प्राइमरी अमीन ही बनाते हैं ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन बनाने का ही मेथड है क्या यूज लेंगे
अमाइड लेंगे, एल्किलामाइड हो सकता है, वो एरिलामाइड हो सकता है। ये एल्किलामाइड है और हम एरिलामाइड भी ले सकते हैं। नाम से पता चल रहा है ब्रोमाइड, आप उन ब्रोमाइड क्या लेंगे, ब्रोमिन लेंगे। कौन सा मीडियम लेंगे, एल्किलिन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिलेगा क्या प्रोडक्ट में, प्राइमरी अमीन मिलेगा। इसको डिग्रेडेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में वन कार्बन क्या है, लेस है, वन कार्बन लेस का प्रोडक्ट होगा, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। बाकी प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट और एन ए बी आर भी बनेगा। क्या कहेंगे इसको, हार्मोन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन प्राइमरी अमीन बनाने का काम करता है, ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन। और इम्पोर्टेंट केस क्या होता है, इस प्राइमरी अमीन में वन कार्बन लेस होता है रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, ग्रुप डिग्रेडेशन के लिए इसको यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन ले रहे हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन या फिर क्या कहेंगे, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन के बीच में डिस्टिंग्विशन करने के लिए यूज लेते हैं, या प्राइमरी और टर्शियरी अमीन में विभेद करना है तब आइसोसाइनाइड टेस्ट को यूज लेंगे। कौन देता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, सेकेंड या टर्शियरी अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देता है। ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही प्राइमरी अमीन हो सकते हैं, तो प्राइमरी अमीन ही यूज लेंगे। प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म और QH एल्केलिन मीडियम क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड RNC। ये प्राइमरी अमीन है और ये क्या है, आइसोसाइनाइड है। इसको अपन आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं, जो ओनली ओनली प्राइमरी अमीन ही देता है। बाकी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए करो तो कर दो, KCl प्लस H2O प्राइमरी अमीन को डिस्टिंग्विश करना है किससे, सेकेंड या टर्शियरी से, तो उसके लिए हम आइसोसाइनाइड टेस्ट यूज लेते हैं। तो ये हमारी क्या थी, मेजर जो है अभी तक जो मुख्य रूप से काम आने वाले केमिकल इक्वेशन है। बोर्ड में अगर इक्वेशन पूछी तो इनसे ही पूछी जाएगी, इसके अलावा कोई है ही नहीं तो पूछेंगे क्या, यस। तो यहाँ पर किसी न किसी फॉर्म में आपको इन केमिकल इक्वेशन पे बेसिस है 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको किसी न किसी फॉर्म में आपको कन्फर्म है कि क्वेश्चंस मिलेंगे। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखना है, वॉच करना है, बिकॉज आपको आने वाले एग्जाम जो है आपका बोर्ड में ये काफ़ी सपोर्ट करेगा। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो ये बेनिफिशियली रहेगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।